नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर में लगाए गए अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दो होर्डिंग एजेंसियों पर बकाया 10 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं किए जाने के बाद शुक्रवार से नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स को हटाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से नौदरा ब्रिज सहित शहर के सभी मुख्य बाजार और चौराहों से बकाया जमा नहीं करने वाली होर्डिंग्स एजेंसियों के होर्डिंग्स स्ट्रेचर हटाए गए। कोर्ट के निर्देशानुसार होर्डिंग हटाई जा रही है क्योंकि होर्डिंग एजेंसियों पे लगभग 10 करोड़ रुपए बाकी है, जिनको बार बार नोटिस देने के बाद भी लोगों ने अभी तक पैसा जमा नहीं किया। कुछ एजेंसियों ने किया तो उनके एजेंसियों के होर्डिंग नहीं हटा रहे। एटलीस्ट 13 एजेंसियां इन्होंने जमा किया, बाकी किसी ने भी जमा नहीं किया एक रुपए। इसलिए आज ये सारे होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। ये जिन होर्डिंग एजेंसीज के द्वारा नगर निगम में विज्ञापन शुल्क जमा नहीं किया गया है और स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह भी इनने सबमिट नहीं किए हैं, उन्हीं को आयुक्त आदेश के उपरांत आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। विगत दिवस आंधी तूफान के भी समय आपने देखा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं किस ढंग से उखड़े थे और ST LT लाइन के ऊपर भी आए थे, जिससे कई दिनों तक हमारी बिजली भी बाधित रही काफ़ी समय तक। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त आदेश से जिन विज्ञापन होर्डिंग मालिकों के द्वारा राशि जमा नहीं की गई उन सभी के ये स्ट्रक्चर और होर्डिंग्स अलग की जा रही है। जबलपुर के रांझे स्थित गन्ना गेट में अवैध रूप से संचालित घरेलू गैस रिफिलिंग में खाद्य विभाग की बड़ी छापामार कार्रवाई हुई है, जिसमें 35 से 40 घरेलू गैस सिलेंडर मौके से जब्त किए गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुभम सोनकर और उसका साथी अवैध गैस रिफिलिंग का काम करते हैं और ऑटो में अवैध रूप से गैस भरी जाती थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसका प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रवार को जबलपुर के हितकारिणी महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव, हितकारिणी महाविद्यालय के अध्यक्ष कमल कुमार जैन और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिग्विजय सिंह, विशाल सागर, नीलेश पांडे, कमलेश चौबे शामिल रहे। अंतर संभागीय शतरंज प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से आए हुए सभी प्रतिभागीगण भाग ले रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। सच में शतरंज एक ऐसा खेल है जो जीवन में सफलता के हर पैगाम को देते हुए चलता है और इसके माध्यम से व्यक्ति चाहे तो परिवार, समाज और राष्ट्र जीवन को हर पक्षों पर प्रबंधन की दक्षता प्राप्त कर सकता है। मेरी महाविद्यालय परिवार की, विशेषकर प्राचार्य को, डॉक्टर नीलेश जी को, पूरे प्रतिभागी गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक गुरुवार को होने वाली परशुराम महाआरती में लगभग 200 से 250 श्रद्धालुओं को पुलिस ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए बीती शाम गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने गिरफ्तारी उस समय की जब सभी भक्त भगवान परशुराम और मां नर्मदा के समक्ष अंजलि में नर्मदा जल लेकर आगामी चुनाव से किसी भी राजनीतिक दल को वोट न देने की शपथ ले रहे थे। कि हम सब सवर्ण जाति आरक्षण के विरोध में जो भी पार्टियां जब तक अध्यादेश काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MSTV। नमस्कार।